आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों की ओर। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद में ही श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी का काम शुरू हुआ। हालांकि वीडियोग्राफी करने वाली टीम के खिलाफ कुछ लोगों ने खूब हंगामा किया। इन सबको हंगामे के बीच ज्ञानवापी मस्जिद केस में अब नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल इन मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादी थे। हालांकि अब एक वादी ने अपना केस वापस लेने का फैसला किया है। केस वापस लेने वाली वादी का नाम रेखा सिंह है, लेकिन अभी भी 4 वादी अपने फैसले पर कायम है। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिला मुख्यालय पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय के नगर पालिका के अधिवक्ता स्वतंत्र देव सिंह ने पुख्ता मकान के कुछ हिस्सों को गिराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया। नगर पालिका की जमीन पर अवैध निर्माण कराया गया था। वहीं मौके पर SDM, तहसीलदार और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। खबर लखनऊ से है, जहां विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में छात्रों ने कोरोना योद्धाओं की याद में जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें 1090 चौराहे से परिवर्तन चौक तक साइकिल रैली निकाली गई। इस कैंपेन में बाराबंकी के SP विजिलेंस डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी भी शामिल रहे। बता दें कि कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर अभिषेक यादव ने बताया कि जितने भी कोविड महामारी में मृत्यु हुई थी, उनको श्रद्धांजलि के लिए साइकिलिंग कैंपेन चलाया गया, जिसके बाद सभी साइक्लिस्ट को सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। सर, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, इस समय SP विजिलेंस हूं। और आज का ये जो कार्यक्रम लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ख़ास करके जो यहां साइकिलिस्ट एकत्र हुए हैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक नोबल कॉज के लिए वो संडे सवेरे यहां एकत्र हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि जो कोरोना के दौरान जिन लोगों को हमने खोया, उनकी स्मृति में ये साइकिल रैली आयोजित की गई है। और ये संदेश भी देना चाहती है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम एकाग्रचित्त रहेंगे, तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से का सामना कर सकेंगे। और अगर हम एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम किसी भी इस तरह की महामारी को परास्त कर सकते हैं। 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से रामबाग ताल के नौकायन पर जिलाधिकारी की मौजूदगी में कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर सांसद रवि किशन, सहजनवा विधायक और DM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रागनी फाउंडेशन की मदद से स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें गोरखपुर राग, रागनी साइकिलिंग, रंगोली, स्केटिंग, नुक्कड़ नाटक, खेलकूद, सभी तरह के आयोजन किए गए, जिसमें स्कूली बच्चों के साथ खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये एक ऐसी स्ट्रीट हो जैसे कि हमारी स्ट्रीट हो, जहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, जहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा। गोरखपथ वो एक ऐसी स्ट्रीट का प्लान है जहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं होगा, लोग सिर्फ साइकिल करेंगे या पैदल चलेंगे। यूरोप में ये बहुत देखा जाता है, यूरोपियन कल्चर या ब्रिटेन में, लंदन में, चूँकि वहाँ जगह बहुत कम है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, तो लोग अक्सर वहाँ पर पैदल चलते हैं या साइकिल चलाते हैं। एक तो या उनके पास बजट नहीं होता, दूसरा वो लोग अपने देश में पॉल्यूशन नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच है, शरीर भी फिट होता है, देश भी बचता है, पोल्यूशन भी नहीं होता, मृत्यु भी नहीं होती, कैंसर भी नहीं होता, बहुत सारे रोग नहीं होते। इस तरह के आयोजन किया जा रहा है, आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे राहगिरी गोरखपथ नामक कार्यक्रम किया जा रहा है। सभी सम्मानित नागरिकों की प्रतिभागिता, विशेषकर बच्चों के, छात्र छात्राओं के प्रतिभागिता से सड़क सुरक्षा के संबंध में शहर को स्वच्छ बनाने के लिए ये एक मुहिम शुरू की गई है। इसमें सभी के उत्सुकता देख के बहुत अच्छा लगा, और सभी लोग यहाँ पे स्वस्थ रहने के बारे में, फिटनेस के बारे में ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा रही है ये, और सभी लोग विभिन्न गतिविधियाँ कर रहे हैं, उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियाँ लगातार चलती रही।
खबर कानपुर से है, जहां शहर के बालाजी पार्क में कुछ बदमाशों ने कक्षा 12वीं के छात्रों के साथ मारपीट की। दरअसल छात्र पार्क में घूमने गए थे, तभी मोहल्ले के 10-12 दबंग लोग एकमत होकर छात्रों के साथ मारपीट करने लगे। घटना में 3 छात्रों के सिर फट गए, साथ ही कुछ छात्रों के हाथ और पैर में गंभीर चोट आई, जिसके बाद पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू कर दी। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, जहां पर कई छात्र एकजुट होकर मारपीट करने लगे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से मारपीट कर रहे हैं, लाठी डंडों से मारपीट करने का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। संवाददाता उपेंद्र इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है जिसकी वजह से इनमें मारपीट हुई है? वो उनका वो वहाँ पे दिन में जो है सुबह शाम जो है सहारा समय वहाँ रहते थे मौके पे, और जो 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 12वीं छात्र से जो मारपीट हुई है, ये जो है देखा है तो पुरानी रंजिश है। अब किस तरह की कार्रवाई इन पर की जा रही है उपेंद्र? जी, इसमें जो है संघ के जो जो ड्रेस में जो थे उत्सव जो लड़का था समर गुप्ता थे, अभय गुप्ता थे, इन तीनों पे जो क्षेत्रीय पार्षद थे, ये लोग 7-8 लोग मिलके इन लोगों ने जो व्यवस्था मारपीट की थी उसमें इनके खिलाफ 900 थाने मुकदमा पंजीकृत हो गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद उपेंद्र। अब इस पे पुलिस भी कार्यवाही कर रही है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे रोज शाम में पार्क में क्रिकेट खेलने के लिए जो आते थे, जो कुछ बात के चलते इनमें विवाद हो गई और ये आपस में ही मारपीट करने लगे। मिशन शक्ति फेज 3 के तहत पुलिस अधीक्षक ने थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की कुटिया कॉलोनी में चौपाल लगाकर महिलाओं से बात की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे विशेष मिशन शक्ति अभियान के संबंध में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने महिलाओं से वार्ता कर जागरूक किया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के प्रति योजनाओं के बारे में जानकारी दी, और साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को कोई भी परेशानी होने पर हेल्पलाइन नंबर की सहायता लेने की जागरूक किया। मिशन शक्ति के तहत जनपद बिजनौर में 1212 बीट में बीट महिला पुलिस अधिकारी का भ्रमण किया जा रहा है। आज हर स्तर के अधिकारी, थाना प्रभारी, हल्का प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, एडिशनल एसपी जो मेरे द्वारा भ्रमण करके देखा जा रहा है। जैसे इस पर मैं कुटिया कॉलोनी बिजनौर में हूँ, यहाँ पर महिलाओं से वार्ता की गई, इनके खिलाफ होने वाले अपराध के बारे में जागरूक किया गया, उसको लड़ाई लड़नी है और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके कल्याण के लिए उन योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाए, उनका लाभ कैसे लिया जाए। गंगा में डूबने के 20 घंटे बाद युवक का शव गंगा नदी से बरामद किया गया। दरअसल रायबरेली के कासो गंगा घाट पर नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई थी। आपको बता दें कि युवक अपने 2 दोस्तों के साथ गंगा घाट पर नहाने के लिए गया था, जहां गंगा के गहरे पानी में जाने से युवक डूब गया था। घटना के बाद सरेनी पुलिस और तहसील प्रशासन शव की तलाश में लग गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल दिनांक 7/5/22 को करीब 11 बजे 3 लड़के अपने दोस्तों के साथ गंगा नहाने आए थे, जिसमें अमर सिंह, जिसकी ननियाल अम्बारा पश्चिम में, वो भी गंगा नहाने आया था और ये लोग गहरे पानी में चले गए, जहाँ पर अमर सिंह डूब गया था। कल से हम लोग दिन में 12 बजे से लेके और आज तक अभी तक करीब 2 दर्जन गोताखोर और नाव वालों को लगाकर खोजबीन की जा रही थी, जिसकी डेड बॉडी आज 8:30 बजे सुबह गंगा में मिल गई है। जो गाजियाबाद के स्टंट वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस जहां स्टंट करने वाले युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज रही है, तो वहीं ट्रैफिक पुलिस भी गाड़ियों का चालान काट रही है, लेकिन उसके बाद भी लगातार शहर की सड़कों पर गाड़ियों से स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं।
आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से युवक विद्यालय के बाहर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता प्रवीण मिश्रा इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है स्टंट बाजों के ऊपर, उसके बावजूद भी जो स्टंट बाज है अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, किस तरह से पूरे मामले को पुलिस मैनेज करेगी? देखिए त्रिशला, आपको बता दूं जो ये पूरा मामला गाजियाबाद से जुड़ा हुआ है, कि गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे लड़के हैं जो टिकटॉकर, मैं बात करूं टिकटॉकर जो है खासतौर पे ये अपनी वीडियो वायरल करने के लिए, अपने आप को एक पॉपुलर दिखाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हदें पार कर जाते हैं कि इनको मालूम नहीं पड़ता कि हम किस जगह पर, कौन सी जगह पर हम टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं या हम स्टंटबाजी कर रहे हैं। यही एक गाजियाबाद से जुड़ा हुआ मामला है जो कि एक कॉलेज से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक बच्चों की छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद ये एक व्यक्ति जो स्टंटबाजी करते हुए लगातार एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी बजता है उसमें, तो कहीं ना कहीं ये एक लड़कियों को या कह सकते हैं कि जो वहाँ कॉलेजों से जो पढ़ाई करके बच्चियां आ रही थी उनको लुभाने का ये प्रयास कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इसको ये नहीं पता था कि गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट है, और साथ ही साथ बात करें उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तो वो भी काफी कई तरह से, क्योंकि जो पहली कैबिनेट में उन्होंने एंटी रोमियो का स्क्वाड टीम को गठित किया था, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस तरह से स्टंटबाजी कर लेंगे और हमारी कोई मतलब कार्रवाई नहीं होगी। जी बिल्कुल प्रवीण, एक तरफ जहां लगातार एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्टिव किया जा रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कई तरह की योजनाएं लाई जा रही है, उसके बावजूद भी ये मंचले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। साफ देखा जा सकता है हमारी टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से लड़कियां स्कूल के बाहर जा रही है स्टंट कर रहा है, इस पे किस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जैसे ही पुलिस को संज्ञान में ये पूरा वीडियो जो वायरल हो रहा था, ये जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उसकी खोजबीन चालू कर दी, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी से अपनी टीम गठित की, और टीमों ने उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपने आप को वायरल करने जा रहा था, तो कहीं ना कहीं पुलिस ने उसको धरपकड़ किया और उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। कहीं ना कहीं जो अब जितने भी एक गाजियाबाद से एक वीडियो और वायरल हुआ था जो कि जो एक व्यक्ति जो है वो एलिवेटेड रोड के ऊपर से अपनी जान को जोखिम में डालकर कहीं ना कहीं वो भी वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा था, तो ऐसे जितने भी वायरल वीडियो जो भी यहाँ से इस समय जो वायरल हो रहे हैं अपने पॉपुलरिटी को मतलब बढ़ाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन पे अंकुश लगाया जा रहा है। और गाजियाबाद पुलिस की बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस इस पे पूरी तरीके से काम कर रही थी। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। बिजनौर में एक प्रेमी और प्रेमिका के जहरीला पदार्थ खाने का मामला सामने आया है। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते घर से नाराज होकर दोनों ने अपने अपने घरों में जहर खा लिया। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान प्रेमी की मौत हो गई, तो वही प्रेमिका की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, उस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। थाना चाँदपुर के सीतावर चौकी क्षेत्र में जलीलपुर कस्बे में एक ही समुदाय के एक लड़का लड़की जिनके घर आसपास हैं, दोनों की दीवार लगी हुई है। लोगों ने बताया कि इन दोनों में प्रेम प्रसंग था, बहुत दिनों से चल रहा था, देख लिए गए, क्लेश बस दोनों ने अपने अपने घरों में जा करके जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों का इलाज चल रहा है, स्थिति यथावत स्थिर है। देवरिया में महिला पीजी कॉलेज के कार्यवाहक प्रचार और आरोपी राजेश भारती के खिलाफ छेड़खानी के मामले में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि कॉलेज के छात्राओं से छेड़खानी के मामले में नवागत प्रभारी प्राचार्य राघ भारती ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फौरन कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम का गठन किया गया है, जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिलहाल जांच जारी है। अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास के कस्बे में मेडिकल स्टोर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई। वहीं आग की लपटों से पड़ोसी की दुकान में भी भारी नुकसान हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में कामयाब हुई। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।